दोस्तों स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो आज हम जाएंगे ओमकारेश्वर। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सबसे सस्ता तरीका कहां पे रुकना है, कहां पे खाना है, तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। और ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको सबसे पहले इंदौर ही आना होगा, चाहे प्लेन से आओ या ट्रेन से। अगर आप ट्रेन से आते हो तो बहुत ही सस्ता आपको पड़ेगा, आपके हर एक शहर से इंदौर के लिए ट्रेन चलती ही है, तो आप ट्रेन से ही इंदौर आइएगा। और इंदौर आने के बाद आपको स्टेशन के बाहर करीब 300 मीटर की दूरी पे ये सर्वोदय बस स्टैंड मिलेगा, आपको वहाँ जाना है। यहाँ से आपको बस मिल जाएगी ओमकारेश्वर जाने के लिए, और एक आदमी का किराया यहाँ से 140 रुपया लगता है। और ओमकारेश्वर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। और ओमकारेश्वर पहुँचने के बाद आपको इसी बस स्टॉप पर बस लाके छोड़ेगी, और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है ओमकारेश्वर मंदिर। और यहाँ से मेन ओमकारेश्वर तक का 10 रुपया किराया लेते हैं रिक्शा वाले, तो आपको यहाँ से रिक्शा मिल जाएगी। और दोस्तों आपको रिक्शा वाले को बोलना है श्री गजानन महाराज संस्थान पे ले चलो। मैं आपको उस लोकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हम अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं श्री गजानन महाराज संस्थान पे। यहाँ से आपको सामने अंदर की तरफ जाना है, और गेट के पास आपको व्हील चेयर और बैग ले जाने के लिए ट्रॉली भी मिल जाएगी। जैसे ही आप अंदर की तरफ जाओगे आपको राइट साइड पे ये ऑफिस मिल जाएगी, आपको यहीं पे जाके आपको रूम की बुकिंग करवानी होगी। और यहाँ पे रूम 300 रुपये से लेके 950 रुपये तक के रूम अवेलेबल मिलते हैं। और यहाँ सिर्फ फैमिली ही अलाउड है, मतलब कि आपको फैमिली आपकी होगी तभी आपको रूम मिलेगा। दोस्तों मैंने अपना रूम का फॉर्म भर दिया है और मुझे 430 रुपये वाला रूम मिला है, तो बाद में जाके देखते हैं, पहले ये थोड़ा ये गार्डन वगैरह घूमते हैं। और रूम का चेकआउट टाइम आपको 24 घंटे के लिए मिलता है, मतलब कि आपको जब भी आप चेक इन करोगे वो टाइम से लेके अगले 24 घंटे के लिए रूम आपका। यहाँ गार्डन में आपको शंकर जी की मूर्ति और शिवलिंग दोनों ही मिल जाएगी, तो आप रूम पे जाने से पहले यहाँ शंकर जी के दर्शन कर लीजिए और फिर रूम की तरफ आगे बढ़िए। चलिए तो मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ कि 430 रुपये में मुझे क्या क्या मिला। देखो ये रूम 4 बेड वाला सिर्फ 430 रुपये में, और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सामान रखने की भी बहुत सारी जगह है, तो आप अपना सामान आराम से रख सकते हो। और बाथरूम भी काफ़ी क्लियर है। एक चीज़ और बहुत ही अच्छी लगी जो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये नंबर लिखा हुआ है, आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप यहाँ से कॉल कर सकते हो सीधा। और रूम के बाहर आपको आरओ वाटर और गर्म पानी दोनों ही मिल जाएंगे, और वो भी फ्री में। यहाँ की साफ़ सफ़ाई भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये मशीनों से साफ़ सफ़ाई करते हैं। और यहाँ पे कॉमन हॉल भी है, दो हॉल है बड़े,
देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा। ऐसे ये कॉमन हॉल होते हैं, वो ऐसे दो बड़े बड़े हॉल है और डॉर्मेट्री हॉल भी है और छोटा सा दवाखाना भी है अंदर ही। और इसी जगह पे आपको नाश्ता और खाना दोनों ही मिल जाएगा प्रसादालय में। तो चलिए प्रसादालय में चलते हैं अभी। ये है प्रसादालय और यहाँ पे नाश्ता सुबह और दोपहर का खाना और रात का खाना यहाँ से मिल जाएगा आपको। यहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ से आपको खाने के लिए और नाश्ते के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे कभी कभी ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण आपको लाइन पे भी लगना पड़ सकता है। तो यहाँ पे सामने जो देख रहे हो, यहाँ पे आपको लाइन में लगना पड़ता है। और प्रसादालय में जाने से पहले आपको जूते चप्पल बाहर रखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 40 रुपये में थाली मिलती है और वो भी अनलिमिटेड, जिसमें दो तरह की सब्जी आएगी, दाल चावल और रोटी अचार, और साथ में कुछ मीठा भी आएगा और वो भी अनलिमिटेड, और खाना भी काफ़ी स्वादिष्ट था। आप बाहर का खाना अवॉइड करें और यहाँ का खाना खा के देखिए, बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट था। और अब चलते हैं दर्शन के लिए। और दर्शन के लिए जाने से पहले आप यहाँ पे लगे बोर्ड पे पूरा कार्यक्रम मंदिर का पढ़ सकते हो। और ये है श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का कार्यक्रम पूरे दिन का, जो सुबह से शाम तक सारे ही कार्यक्रम जो होते उसका लिखा हुआ है। और इस तरफ पीछे श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का कार्यक्रम है। तो आप दोनों ही मंदिर का यहाँ से सब कुछ पढ़ सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप मंदिर जाइएगा। दोस्तों ये है ओमकारेश्वर मंदिर और ये नीचे की साइड जो आप देख रहे हो, ये नदी है, नर्मदा नदी। दोस्तों ये जो आप पहाड़ देख रहे हो उसके ऊपर भी काफ़ी सारे मंदिर हैं और इसे घूमने के लिए आपको कम से कम 4 घंटे चाहिए, तभी आप पूरा घूम पाओगे। दोस्तों ये नाव वाले आपको इस पहाड़ की पूरी परिक्रमा करवाते हैं, उसका चार्ज वो लोग 1500 रुपये लेते हैं। और नाव वाले आपको इस साइड से उस साइड पे जाने के लिए आपका 50 रुपये किराया लेंगे। दोस्तों आप नॉर्मल किसी भी दिन आते हो यहाँ पे तो आपका दर्शन 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन आप त्योहारों के दिन में आओगे तो आपका 3 से 3.5 घंटा 4 घंटा लग जाएगा। और त्योहारों के दिनों में भी अगर आप सुबह 5 बजे आते हो तो आपके 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे आपके। और अगर नॉर्मल दिनों में आते हो तो आपको सुबह 7 बजे तक भी आपको ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं मिलेगी, तो आप सुबह सुबह ही आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। ये देखो ये त्योहारों के दिनों में कितनी भीड़ रहती है। अगर आप भी इस महाशिवरात्रि पे आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन ध्यान रहे सुबह सुबह आप दर्शन कीजिएगा। यहाँ से मोबाइल वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं अपना मोबाइल रख दे रहा हूँ और मिलता हूँ आपको दर्शन के बाद। दोस्तों दर्शन तो अच्छे से हो गए और अब हम निकलते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। आ मेकल सुता दिवसे जोवी गमे छे अने रात्रे सांभळवी गमे छे। दिवसे दृश्य छे तो रात्रे श्राव्य छे। दिवसे नर्मदा अने रात्रे रेवा।
दोस्तों भी रात का वक्त है और यहाँ पे काफी शांति है। अभी हम श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ जा रहे हैं, चलते हैं अभी वहां पे। यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, तो आपको 10 से 15 मिनट में आपके दर्शन हो जाएंगे और वो भी काफ़ी अच्छे से। और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रवेश द्वार के पास में ही त्रिस्टा लेमन टी, जो आपको मुफ्त में ही यहाँ पीने के लिए देते हैं, और आपको घर ले जाने के लिए आप यहाँ से खरीद सकते हैं ये पैकेट। इस लेमन टी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। दोस्तों हम अगली सुबह एक बार फिर दर्शन के लिए गए सुबह 7 बजे, और दर्शन केवल 10 मिनट में हो गए। और दर्शन के बाद हम जा रहे हैं फिर से इंदौर, और इंदौर से हमारी ट्रेन शाम को है, तो हमें 3-4 घंटे कहीं घूमने के लिए एक्स्ट्रा मिल गए हैं। देखते हैं अभी आगे। दोस्तों हम आए हैं इंदौर में, पितृ पर्वत नाम से एक जगह है यहाँ पे, और इसे पितृश्वर हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ अपनी कार लेके आ रहे हो तो आप सीधे ही मंदिर के पास में ही जा सकते हो, लेकिन आप अगर रिक्शा से या बस से आ रहे हो तो 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर। और ये जगह इंदौर स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर है, और स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए रिक्शा वाले 200 रुपया किराया लेते हैं, और जाने का 200, मतलब कि 400 रुपया किराया आपका हो जाएगा यहाँ तक आने का। और मंदिर दोपहर 12 से 3 बजे तक बंद रहता है, तो आप उस समय वहाँ पे मत आइएगा।